अफसर दाउदानी जी, जिस तरह से आज प्रचार प्रसारण का लास्ट दिन है, सारे कैंडिडेट्स इस साउथ मुंबई के जितने भी उम्मीदवार हैं सब एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपना प्रचार समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। सुनने में आया था कि आज भी आपका प्रचार था, लेकिन क्या वजह हुई आपकी सारी रैलियां, सारे पद यात्राएं रद्द कर दी गई? नाजरीन, मैं हूँ कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आइए आपको एक अहम खबर की तरफ मुतवज्जे करें। आज मेरी भी रैली बहुत बड़ी थी जो मुंबा देवी से शुरू होने वाली थी, वर्ली पे ख़त्म होने वाली थी, बट एक ऐसा हादसा हो गया है हमारे घर में एक मैयत हो गई है। उसे सारे मीडिया वाले भी जानते हैं, सारे बड़े लोग जानते हैं, जो कि करमाली साहब कहा जाते हैं, यहाँ की बहुत ही मशहूर शख्सियत थी करमाली, एच करमाली, सफदर एच करमाली, जिनका सुबह में इंतकाल हो गया है। और वो हमारे जमात के माए बाप भी थे और मेरे लिए भी मेरे बाप की जगह पे थे वो। और आज अगर ये हादसा हुआ है तो मेरे लिए रैली से इम्पोर्टेंट मेरे बाप की जगह है, और आज मैं फिर यतीम हो गया हूँ। और उनका अभी 9 बजे नमाज जनाजा है डोंगरी चैनल पे, और वहीं से उनको कब्रिस्तान लेके जाया जाएगा। कैसे संबंध थे आपके करमली साहब से? क्या घरेलू रिश्तेदारी थी या सिर्फ एक मुंह बोला रिश्ता था? नहीं नहीं, मेरे लिए मेरे बाप की जगह पे वो थे, और मेरे हमारी जमात के माए बाप थे। ये सारे लोग मीडिया वाले भी जानते हैं उनको, खोजा शिया इश्नाशरी जमात के वो प्रेसिडेंट भी है, और काफ़ी टाइम उन्होंने 40 साल तक के जमात की सेवा की, और वो जमात के माए बाप कहलाते थे। और मेरा खुद का उनका पर्सनल रिश्ता है, मैं उनके बेटे के बराबर था और वो मुझे हमेशा मुझे अपना बेटा ही मानते थे। आज काफ़ी लोगों को ये भी मालूम है कि मैं उनका बेटा हूँ, इसी के नाम से वो लोग मुझे जानते भी हैं। दाउदानी साहब, आपने जैसे अभी बताया कि 9 बजे उनकी तदफीन की जाएगी, हो तो सकता था कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप प्रचार कर सकते थे, फिर उसके बाद अगर आप जनाजे में शरीक हो सकते थे, प्रचार क्यों नहीं किया आपने? देखो, प्रचार से मेरे लिए प्रचार बढ़ के नहीं है। मैं जो मेरे बाप गए हैं वो अभी आज के बाद ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगे। ये इलेक्शन तो हर 5 साल में आते रहेंगे, और मुझे मेरे समाज पे, मुसलमान समाज पे, वंचित समाज पे पूरा भरोसा है कि वो आने वाले टाइम में पूरी तरह से मंडे को बहुमत में पूरा वोट करके मुझे जिताएंगे। और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था प्रचार वगैरह, मेरे लिए मेरा बाप इम्पोर्टेंट था। तो मैं ज़रूर उनके दफन होने के बाद ही कोई भी कार्यक्रम करूँगा। मैं अभी इंटरव्यू भी नहीं देने वाला था, बट लोगों का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि मैं कहीं बैठ गया हूँ, मैं किसी से डर गया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि मेरी वो हालत परिस्थिति भी नहीं थी कि मैं इंटरव्यू दे सकूं, पर फिर भी मैंने दिया हूं, और मैं जो भी काम करूंगा वो रात को दफन होने के बाद ही इलेक्शन के काम में मैं फिर से लगूंगा। क्या आप इस तरह से आवाम को क्या कहेंगे, और जिस तरह से शोक मनाने के लिए जो है कुछ मसरूफियात भी हो जाती है, फातिया वगैरह है, नजर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सभी समाज को मालूम रहता है कि कभी किसी के घर से अगर किसी का इंतकाल या किसी की मैयत हो जाती है या कोई मर जाता है तो उसका शोक कितने दिन का होता है, यह हर किसी को पता है। मुझे सारे समाज पे पूरी तरह से भरोसा है कि मैं पहला वो काम करूंगा जो मुझे फ़र्ज़ है, जो मुझे मेरे बाप गया है, तो मैं मेरे बाप की जगह पे जो उनकी फ़र्ज़ में आता है, फातिहा, नियाज, दफन, वो सारी चीज़ें करूंगा। मुझे पूरा यकीन है सारी समाजों पे कि वो आने वाले मंडे को इस बात को हर कोई दिल में रखते हुए पूरी तरह से मुझे वोट करेगा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये सारा समाज दिखाएगा कि हम लोगों के गम में गम गम की तरह रहते हैं और खुशी में खुशी की तरह रहते हैं। सदाकत न्यूज़ नेटवर्क की टीम सफदर करमाली के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।